का खाना है। मैं हूँ आपके साथ आपकी होम कुक स्वाति और आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं मिस्सी रोटी, जो कि काफ़ी फेमस है पंजाब में। एंड पंजाबी तो इंस्टेंटली से खाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, लंगर में काफ़ी चलती रहती है मिस्सी रोटी। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस मिस्सी रोटी इज़ दैट कि ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है आपके डाइजेशन के लिए, क्योंकि ये बेसन से बनती है। सो वी विल शेयर टुडे द रेसिपी ऑफ दिस मिस्सी रोटी, बट बिफोर दैट आई वांट टू से यू दैट इफ यू लाइक आर वीडियोस रेसिपी देन प्लीज 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 क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन शेयर विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग मिस्सी रोटी। बट बिफोर दैट वी हैव टू सी द इंग्रेडिएंट कार्ड, सो लेट्स सी इंग्रेडिएंट कार्ड फॉर दैट मिस्सी रोटी एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन #घर का खाना। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने सेम अमाउंट ऑफ गेहूं का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लार लिया है और सेम अमाउंट ऑफ बेसन, यानी कि अगर आप एक बाउल गेहूं का आटा ले रहे हैं तो एक बाउल बेसन लेंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। वैसे भी अगर गूंथेंगे तो मिक्स हो ही जाएंगे आपस में, फिर भी इन्हें एक बार मैं हल्का सा मिक्स कर दे रही हूँ। और मिक्स करने के बाद में इसमें मैं मिलाऊंगी 2-3 टेबल स्पून ऑफ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप धुल के डाल सकते हो या नॉर्मल अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। सो मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है। नमक ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो डालना तो आप ऐड करो, नहीं चाहते तो मत ऐड करिए। मैंने ऐड किया है और इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है आधी चम्मच। और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इन्हें मैं मिक्स करने के बाद में अब इसमें मैं मोयन करूँगी। मोयन करने के लिए मैंने बटर लिया है, सो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच मक्खन डाल दे रही हूँ, ये मेल्टेड बटर है, और इन्हें मैं अच्छे से अब इसमें मोयन कर लूँगी। जैसे हम मोयन करते हैं बाकी सारे सामग्रियों के लिए, जब मैं गुजिया बनाती हूँ या चटकला बनाती हूँ, जैसे सेम हम मोयन करते हैं उससे हमें मोयन करना है। बट जो अमाउंट ऑफ मक्खन है वो थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे। सो मोयन करने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम अपना ये डो जो है उसे प्रिपेयर कर लेंगे। ये डो हमारा नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं गेहूँ के आटे की वैसे ही बनेगा, कुछ खास नहीं करना है इसमें। इस तरह से हल्का हल्का पानी डालते हुए डो हमें प्रिपेयर करना है। ये देखिए जो डो है वो प्रिपेयर हो चुका है और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा मैं तेल लगा करके या मक्खन लगा करके रख दूँगी, जिससे कि हमारा ये जो डो है वो सेट हो जाए। अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट के लिए मैं रखूँगी। पंद्रह से 20 मिनट के बाद हमारा जो डो है वो थोड़ा सा तैयार हो जाएगा और अब मैं इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लूँगी। इन्हें मैं रोलर के थ्रू रोल कर लूँगी या बेल लूँगी, नॉर्मली जैसे रोटी हम बेलते हैं उतनी पतली हमें बेलना है। ये देखिए अब मैं इसे बेल लूँगी। जितनी पतली आप बेल सकते हो उतनी पतली बेलनी है, बस ध्यान रहे कि रोटियाँ जो हमारी हैं वो फटे ना। सो मैंने इन रोटियों को देखिए बेल लिया है, रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए रोटियाँ तैयार हैं और एक गर्म तवे पे मैं इस रोटी को डाल दूंगी और तब तक मैं बाकी रोटियाँ प्रिपेयर करूंगी। ये देखिए एक तरफ से इसमें हल्की चित्ते आने लगी हैं, हमें दिखाई पड़ने लगेगा, तब हम रोटी को पलट देंगे। और जिस तरह से नॉर्मल आटे की रोटी को हम सेकते हैं उसी तरह से जब दोनों तरफ से चित्तियाँ पड़ जाएंगी तो हम इसे गैस पर से उतार करके तवे से उतार करके और हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पे या आग पे हम इसे सेकेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से चित्तियाँ पड़ गई हैं, दूसरी रोटी मैंने तवे पे डाल दी है और ये देखिए गैस को मैंने थोड़ा सा हाई किया है, फ्लेम हाई करी है और ये देखिए रोटियाँ फूल भी रही हैं। यू कैन सी दैट कि रोटियाँ फूल रही हैं बाकी रोटियों की तरह। सो अब बाकी रोटियाँ भी इस तरह से हम प्रिपेयर कर लेंगे। रोटियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब इन्हें हम मक्खन लगा करके और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। सो आप भी बनाइए अपने घर पे ये मिस्सी रोटी, जो कि बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस है एंड इट्स रियली वेरी इजी टू कुक आल्सो। एंड इफ़ यू लाइक द रेसिपी, इफ़ यू लाइक द वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, सो क्लिक इट नाउ एंड एन्जॉय दैट मिस्सी रोटी। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।